हेलो गाइस, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा टाइम ट्रेवल करते हुए, यानी कि एक समय से दूसरे समय में जाते हुए। लेकिन क्या वास्तव में टाइम ट्रेवल संभव है? ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम ट्रेवल असंभव है, लेकिन वही कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम ट्रेवल संभव है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में टाइम और स्पीड के बीच संबंध को समझाया गया था। हर परिस्थिति में टाइम एक स्पीड से नहीं चलता, टाइम पूरी तरह स्पीड पर ही डिपेंड है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपकी गति ज्यादा है तो आप तय की गई दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड को बहुत तेज कर लेते हैं तो आप टाइम से आगे निकल सकते हैं। ब्रह्मांड में घट रही घटनाओं की एक निश्चित स्पीड लिमिट होती है। जैसे हम लाइट की बात करते हैं तो उसकी स्पीड लिमिट है। अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दें तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी की स्पीड से आगे निकल जाए। 1971 में जोसेफ सी हाफले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चार परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के दो चक्कर लगाए, लेकिन जब ये दोनों लौट कर वापस आए तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक घड़ी को छोड़ दिया था, वहीं बाकी घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थीं। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपने ऑब्जर्वेटरी में रखी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वहीं ऑब्जर्वेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा दें तो हम टाइम से आगे निकल सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि साइंस अभी तक उतना तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। गाइज, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।